चरण में हमें करने की जरूरत है। और एक बार जब हम ईवीएम को यूज कर लेते हैं तो उसका डीएमएम जिसमें सारा रिकॉर्ड होता है वो निकाल के हम रख लेते हैं और ईवीएम की क्लीनिंग होती है, फर्स्ट लेवल चेक हम उसको कहते हैं, और फिर उसे उपयोग लायक बना करके तब हम अगले राउंड का चुनाव करते हैं। इसमें 15-20 दिन का समय लगता है, तो उतना गैप हमें हर चरण में देना पड़ता है। तो प्रथम चरण में हम 85 जनपद पंचायत ले रहे हैं, इसमें 6283 ग्राम पंचायतें होंगी और मतदान केंद्र 19,998 होंगे। दूसरे चरण में 110 जनपद पंचायतें होंगी, 8,015 ग्राम पंचायतें होंगी और 24,840 इसमें मतदान केंद्र होंगे। तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायतें होंगी, 8,397 ग्राम पंचायतें ली जाएंगी और 26,560 मतदान केंद्र होंगे इसमें। कुल मिला के 313 जनपद पंचायतें, 22,695 ग्राम पंचायतें और 71,398 मतदान केंद्र होंगे। एक चरण में जिन जिलों को लिया जाएगा उनकी संख्या है 9, दो चरण में जिन जिलों को लेंगे उनकी संख्या है 7, बाकी 36 जिलों को हम तीन चरण में लेंगे। जिन्हें एक चरण में लेंगे उनका नाम है दतिया। ये जो एक चरण, दो चरण, तीन चरण, ये हमने लगातार कलेक्टरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तय किया है कि कहाँ एक चरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करा लेगा, कहाँ दो लगेगा, कहाँ तीन लगेगा। तो प्रथम एक चरण में होने वाले जिले हैं 9, दतिया, हरदा, नरसिंहपुर, पन्ना, अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल। ये इससे स्पष्ट है जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया नहीं है, जैसे इंदौर भोपाल तो अर्बन जिले हैं तो वहाँ पे रूरल एरिया बहुत कम है, इसलिए हम उसे एक राउंड में ले पा रहे हैं। जो दो चरणों में होंगे वो 7 जिले हैं, बुरहानपुर, जबलपुर, अगेन वेरी लार्ज अर्बन एरिया, दी रूरल एरिया इज स्मॉलर, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, श्योपुर, देवास। बाकी के 36 जिले हम तीनों राउंड में करेंगे। 1/1/2021 की स्थिति की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हम 3 मार्च 2021 को कर चुके हैं और इस मतदाता सूची के अनुसार 3,92,00,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,02,00,000 और 1,90,00,000 महिला मतदाता, अन्य मतदाता 1,044। कुल 71,398 मतदान केंद्र हैं, इनमें 3,095 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से ज्यादा है। निर्वाचन के कार्यक्रम में 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे जो मतदान केंद्रों पर नियोजित किए जाएंगे कर्मचारी, उनका जिलेवार डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी नियुक्त होंगे। जहां 750 से ज्यादा मतदाता हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है, वहां पे अतिरिक्त मतदान कर्मी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रैंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे ताकि वहीं का कोई आदमी वहां पर ड्यूटी न करे। कोविड प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रैंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ हमने होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया गया है। पहले 24 घंटे पहले करते थे, अब 48 घंटे पहले करेंगे। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होगा। पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मतपत्र पर, मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से तथा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु मतपत्रों का रंग अलग अलग होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला और पंच के लिए सफेद, क्योंकि वही मतदाता इन चारों पदों के लिए वोटिंग करेगा,
इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करना। डेट बता दीजिए सर। डेट ही बता दीजिए। पहले डेट से शुरू होगा तो बात में आया। प्रसाद पहले पट गया तो कथा कौन सुनेगा। जो ये चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट डेट है, और ये डिसेमिनेट होना पब्लिक को जरूरी है आपके माध्यम से। हम तो अपनी ओर से जिला प्रशासन के माध्यम से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी रीच कभी उतनी नहीं हो सकती जितनी रीच आपकी है। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, और सिस्टम वही रहता है कि जो भी समय से पहुंच गया उसे पर्ची दी जाती है। तब तक मतदान चलता है जब तक सारे पर्ची वाले लोग वोट नहीं डाल रहे। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना होगा। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर ही की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। पंचायत के इस चुनाव के लिए हमारे पास कुल 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं। विभिन्न चरणों में हम जो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं रिजर्व ईवीएम जोड़ करके, प्रथम चरण में 26,910, द्वितीय चरण में 35,657 और तृतीय चरण में 35,797। इससे पता लगता है कितने ईवीएम हमें लगते हैं, और चूंकि केवल 55,000 हैं इस कारण से हमें कई राउंड में जाना पड़ रहा है। हर विकास खंड में रिजर्व ईवीएम उतनी होगी जितनी ग्राम पंचायतें हैं उस विकास खंड में। आयोग द्वारा प्रयुक्त ईवीएम में मतदान का डेटा सुरक्षित रखने के लिए डीएमएम होता है हमारे पास, डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल, उसे हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेक करके फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक चरण की मतगणना के बाद जो ईवीएम का डीएमएम है उसे अलग करके फिर हम सील बंद कर लेते हैं। एक चरण में उपयोग करके जो मुक्त हुई उसका फर्स्ट लेवल चेक, जैसा हमने बताया, वो करने के बाद ही उसे अगले इलेक्शन में यूज करते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों यानी पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए एक इंटीग्रेटेड एकीकृत नाम निर्देशन पत्र की व्यवस्था की गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध करके क्लस्टर का निर्माण करेगा जहां पर यह अग्रिम कार्रवाई होगी। जो निक्षेप राशि जमा करनी होती है जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,000, ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 2,000, पंच के लिए 400 रुपये। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में ये निक्षेप राशि आधी जमा करनी पड़ेगी। पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है, बाकी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। पंच के लिए केवल घोषणा पत्र काफी है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा। जो ये जानकारी देंगे वो सार्वजनिक की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं जाएगी। नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है। हम आईटी का काफी उपयोग करते हैं निर्वाचन में, और ऑनलाइन नॉमिनेशन की व्यवस्था भी है। लोग अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
ऑनलाइन भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में हेल्प डेस्क सुविधा केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे ताकि ऐसे लोग जो ऑनलाइन ऑपरेशन नहीं कर सकते उनकी मदद की जा सके। निर्वाचन के लिए जो मतदान दल और मतगणना दल गठित किए जाएंगे वो NIC ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कॉमन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके माध्यम से किया जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज नाम की जानकारी आयोग की वेबसाइट mplocalelection.gov.in पर अथवा चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सहज सुलभ है, कोई भी अपना नाम देख सकता है। स्ट्रांग रूम मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। जो संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र हम आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें विशेष दृष्टि रखी जाती है, संवेदनशील मतदान केंद्र 15,863 हैं और अति संवेदनशील 6,235 हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट इनकी नियुक्ति की जाएगी, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की जाएगी ताकि इलेक्शन शांतिपूर्वक हो सकें और 3 चरणों में करने से भी पुलिस व्यवस्था में हमें आसानी होगी। बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए भी नोट करने के लिए है कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07552551076 है, 2551076 है। किसी को भी निर्वाचन संबंधी कोई भी शिकायत करनी हो तो इस नंबर पर वो फोन कर सकते हैं और इमीडिएट उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरीके से हर जिले में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जहां पर लोग डायरेक्टली शिकायत कर सकेंगे। हम लोग निर्वाचन के पर्यवेक्षण के लिए हर जिले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, उन्हें जब मतदाता सूची बन रही होती है तो भी हर स्टेज में हम उन्हें जिले में भेजते रहते हैं और उनसे रिपोर्ट लेते हैं। बहुत सारी वोटर लिस्ट को लेकर शिकायतें हमें मिली कि कुछ हमने जिला प्रशासन से जांच कराई, कुछ हमने अपने प्रेक्षकों से जांच कराई, और ऐसी शिकायतें जो हमें लगी कि बहुत सीरियस नेचर की हैं उसमें जिला प्रशासन के साथ साथ हमने पैरेलल जांच अपने प्रेक्षक से भी कराई ताकि सही स्थिति ज़्यादा हमारे सामने स्पष्ट हो सके। मतदाता जागरूकता के लिए सिस्टमेटिक एजुकेशन नर्चरिंग सेंसिटाइजेशन इलेक्टोरेट से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करते हैं हम लोग कंटिन्यूअसली, अभी इस बीच में और करेंगे। मतदाताओं को EVM की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भाग लें। मतदान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए हमने क्या क्या प्रबंध किए हैं ये भी हम मतदाताओं को लगातार बताते जा रहे हैं ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, उसके साथ साथ उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना है ये जानकारी दी जा रही है। आज जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी। मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आदर्श आचरण संहिता लगती है और परिणाम घोषित होने तक ये प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी लागू होते हैं, हालांकि चुनाव नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगता है, उन्हें भी इसका पूरी तरीके से पालन करना होता है। अभ्यर्थियों पर शासकीय विभागों कर्मियों त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सब पर लागू होता है। इनफैक्ट हम जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं 500 कॉपियों के साथ आदर्श आचरण संहिता की कि वो हर विभाग तक वो पहुंचा दें और उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि ये आदर्श आचरण संहिता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट सारे के सारे सरकारी विभाग इसका पालन करें। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा रैली जुलूस आदि आयोजन के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम पैराग्राफ तक पहुंचा हूं, ये सब नहीं मिलेगा आपको, मुद्दे की बात मिलेगी। नहीं नहीं, आपका सदैव स्वागत है। मैं हम भागते इसलिए हैं क्योंकि आप केवल डेट पूछते हो जो हम बता नहीं सकते। आज हम बता सकते हैं तो हमने खुद सबको बुलाया, ठीक है। आयोग ने कोविड से बचाव के लिए ढेर सारे निर्देश जारी किए हैं, वो वही हैं जिनसे आप बार बार परिचित हैं, तो जो आप चाहते हैं वो बता दें आपको। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये प्रथम चरण के लिए 13/12/2021 यानी 13 तारीख से निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी जांच 21 दिसंबर। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23/12 और इसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा। मतदान यदि आवश्यक हो, हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि पंच के पद के लिए कई बार कुछ जगहों पर या कई जगहों पर इलेक्शन नहीं होते हैं। मतदान 6 जनवरी 2022 पहले चरण का। मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना केवल पंच और सरपंच के लिए 6 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतगणना 10 जनवरी। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण और परिणाम की घोषणा और पंच सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना सारणीकरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी। जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला